ऐसे मेरी जान जानी नहीं थी बट जान पर बन आई, क्योंकि हम लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था जिसमें मैं, राजकुमारी तारा जी और महावीर जी, हम लोगों ने मिलकर कि भाई ध्रुव को पकड़ना है। आज आपको हमारे तलवार की वार से कोई नहीं बचा पाएगा राजवैद्य, देशद्रोह किया है। क्योंकि ध्रुव उस समय राजा जी की हत्या करके गायब हो गए थे, महाराज की हत्या करके। तो फिर 21st सेंचुरी में जाते हैं, वहाँ पे वर्कआउट करते हैं और जब रिटर्न आते हैं तो मेकअप वगैरह करके खिलजी रूप में आ जाते हैं। और आप में से कोई भी इन्हें उपचार के लिए हाथ तक नहीं लगाएगा, इन्हें यहीं पड़े पड़े मर जाने दीजिए। हमारा आदेश है कि कोई भी राजवैद्य की सहायता करने या इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। जब इनका स्वयंवर रखा गया, वो इसीलिए रखा गया कि ध्रुव को हम लोग पकड़ सकें, क्योंकि हत्या का इल्जाम उन्हीं के ऊपर लगा हुआ है और एक खिलजी रूप में। धोखा हमारे राज्य के साथ, हमारे साथ उच्चर बनकर हमारे राज्य के सैन्य बल और अन्य चीजों की जानकारी दे रहे थे हमारे शत्रु। पहले भी इन्होंने ऐसा कार्य किया है, किंतु तब पिताजी ने इन्हें क्षमा कर दिया था, तो इस बार हम इन्हें क्षमा नहीं करेंगे। हमने ऐसा नहीं किया महाराज, हम निर्दोष हैं, हमें किसी षड्यंत्र के अंतर्गत फंसाया जा रहा है, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, विनती कर रहे हैं। बस इसे इनको पहचानना बहुत मुश्किल है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि ध्रुव पेशे से एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर का धर्म होता है कि बीमार की पहले इलाज करना, पेशेंट को देखना, और ये काम ध्रुव बहुत बखूबी करते हैं। इनफैक्ट इस शो में वो मेरे फ्रेंड हैं, तो वैसे मुझे वो कुछ नहीं होने दे सकते, तो इसलिए षड्यंत्र मेरे साथ मिलकर रचाया गया कि भाई मेरे हाथ पे चोट हो या मुझे मारने की चीज़ें की जाए, एक तरह से सारे नकली चोट होते हैं, ताकि इसमें वो ध्रुव पकड़े जाए मेरा इलाज करने के चक्कर में। राजद्रोही है आप, राजद्रोह की क्षमा ही केवल दंड होता है, ये दंड आपको उस राज्य के सेनापति द्वारा मिलने का अधिकार देता है। हम मृत्यु बैंग ग्रुप टेंशन नर्वस कैसे बचाऊं आदमी को, इसको मंदिर दे सकता और सामने से गिड़गिड़ाना शुरू किया उसने। पेशे से इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो उन्हें तो ऑब्वियसली ये पता होता ही है कि भाई ये जो कट आया है ये नकली कट है, इसमें से जो ब्लड निकल रहा है वो नकली ब्लड आ रहा है, और ये कट ऐसा प्रॉपर है ही नहीं, ये प्रॉपर नकली किया हुआ है, जैसे उन्होंने खुद को नकली रूप दे रखा है, खुद की वेशभूषा उन्होंने चेंज कर रखी है, तो ऐसा ही ये है हमारा। इस प्लान में तो हम लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं और उसके आगे का सीन भी हमने कल शूट कर लिया कि भाई ये पूरा प्लान मतलब अनसक्सेसफुल रहा और मेरी जान पर ही बन पाई थी, मतलब क्यों ये प्लान हमने क्रिएट किया, हमें खुद को ये दुख हो रहा है। बट हाँ, तारा जी का ये डाउट इसलिए बना रहता है कि भाई ये ओरिजिनल ध्रुव ही है और कोई नहीं है, क्योंकि वो वाइब्स जो उनको मिल रही हैं, वो चीज़ें जो उनको आइज में मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़ पा रही हैं। हमारे कबीले में देशद्रोही के साथ जो होता है हम वही इसके साथ करेंगे। हम आने वाली इसके साथ न्याय हम करेंगे। ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी कि ये तो खैर क्लियर ही है कि भाई हमने स्टंट किया आपस में मिलके कि भाई एक प्लान बनाया है और ये प्लान पूरी तरीके से विफल है, और क्यों ये प्लान किया जिसकी वजह से मुझे चोटें लगी। देन कल तारा ने मेरा ट्रीट किया, जो सीन मतलब बाद का सीन पहले शूट हो चुका है, कि मुझे मरहम वगैरह लगाया, दवाएँ लगाई, औषधियाँ लगाई कि मैं ठीक हो पाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छिली है, पीछे चोटें लग गई हैं।